रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखो आ रहा है ना, वैसे आ रहा है ना, कट नहीं कर रहा है कुछ लाइन, ठीक। तो सबसे पहले ना कुछ नए बच्चे आए हैं तो हम थोड़ा सा दो टाइप पढ़ाए हैं उसको रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम पूछने वाला सीक्वेंस कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कल बनाए तो इम्पोर्टेंट पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर कल जब बनाए होंगे तो इम्पोर्टेंट पता चला ना, कुछ बना कुछ नहीं भी बना। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछता है और वो इम्पोर्टेंट है ये वाला, हम पहले टाइप लिख रहे हैं उसके बाद हम बनाना भी सीखेंगे। ये बोलता है ए बी का अनुपात अलग दिया, बी सी का अनुपात अलग दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। और बोलेगा आपसे ए बी और सी, इसी में देखो कितना सारा वैरायटी हम दिखाते हैं। इसी में बोल देगा कि 2a बराबर 3b, ठीक है, और बोलेगा 5b बराबर 3c, ऐसे बोल दिया। ये भी इसी का टाइप है। एक और क्वेश्चन अगर बोले तो कहता है a बराबर 1 by 2 बराबर b, a बराबर 1 by 2, अब बराबर कितना b, या फिर इसको ऐसे कह सकता है a बराबर 1 by 2, या फिर ऐसे कह सकता है a का 1 by 2 b के 1 by 5 के बराबर है, ऐसे भी कह सकता है। इसमें भी आपसे पूछेगा a b c, इसमें आपसे पूछेगा a b, इसका आपको रेशियो बताना है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत छोटा पार्ट है। इसमें क्या करना है कि दो बार दिया, तीन बार दिया, पांच बार दिया, जितना भी नाम है ना उसको लिख लो, ए से लेके ई तक है, ए बी सी डी ई लिख देंगे। अब इसको बनाना है तो ए बी का फॉर्मेट देखो करता क्या है बच्चा, जो पुराना मेथड है उस पे हम बात करते हैं, तो गुना करने का कोशिश करता है, यही पे गुना करेगा, यही पे इससे किसका, इससे किसका, इससे किसका, ऐसे गुना होता है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा दे तब तुम्हारा गुना वाला लॉजिक, या फिर कह सकते हैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दे, चार पांच डाटा दे दे, तो तुम गुना किसके साथ कर रहे हो ये कंफ्यूज हो जाओगे, हो गए ना। अगर इसमें देखें तो कुछ नहीं करना है आपको, ये बोला तीन दो तो तीन दो, इसके नीचे का पार्ट देखोगे तो तीन और पांच है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना तीन और पांच, बस इतना ही आपको करना है। ये रहा पहला रेशियो, ये रहा दूसरा रेशियो। अगर डी होता सी डी, सी डी बोलता वन फाइव, तो हम यहाँ पे लिख देते 1.5, ये समझ रहे हो ना, ये लाइन नहीं होता, यहाँ पे लिख देते 1.5, आ रहा क्लियर। अब इसको बनाना है, इतना ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो बनाना है। अब बताओ कि इसके जगह पर दो गो ऐसा नंबर है जो खाली दिख रहा है, दो नंबर खाली है ना, इसके जगह पर किसको बिठाएंगे, बगल वाले किसको बिठाएंगे, गाना सुने ना, हाँ उसी से याद रखना। देखो कोई भी निगेटिव पार्ट हमारे माइंड में जल्दी अटैक करता है, जल्दी से हम निगेटिव चीज को कैच करते हैं, तो निगेटिव से ही अपने आप को पॉजिटिव करो ना, याद तो है ना वो बगल वाली। अब कभी भी नहीं भूलोगे इस एग्जाम में कि आपको नीचे वाला काउंट होगा कि बगल वाला काउंट होगा, कौन काउंट हो रहा है, बगल वाला, तो ये बगल में कौन है टू, इसके बगल में कौन है तीन, बस आप गुणा कर दीजिए 9, 6 और 10, इसका रेशियो हो गया आंसर। ऐसा कम से कम का 10 गो क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन में होगा, थोड़ा सा चेंज 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 कर करके 10 क्वेश्चन से ज्यादा है। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखना ध्यान से, ए बी बी सी और सी डी, और लो चलते हैं, ले चलते हैं डी ई तक, कुछ भी लिख देते हैं 1, 3, 1, 5, 2, 4, 3, 5, वेरी गुड। अब आपसे पूछ रहा है जी कि ए और ई का रेशियो, क्वेश्चन देखो कहां से घुमा रहा है, सीधा इतना सारा बोल के बोल देगा ना आपसे कि ए और ई का बताइए, तो जो ज्यादा समझदार है वो ए का एक और ई का पांच, अब पहले ही ऑप्शन में दिखेगा, पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा 1:5, जबकि ये क्या है, गलत है। जब आपको बहुत सारा रेशियो दे दे तो आप अकेले अकेले उस रेशियो को डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, आपको ए से लेके ई तक निकालना होगा, आफ्टर डेट आप उसको ए और ई को इंडिकेट करेंगे, कोई बात नहीं ऐसे बनाओ ना,
A B C D and E, आराम से लिखो 1 3, इसके बाद 1 5, इसके बाद 2 4, देखो कैसे लिख रहे हैं, अलग अलग लाइन में जा रहे हैं ना, इसके बाद कौन है तो 3 5, बस कुछ मत करो, जहाँ खाली है ना वो बिठा दो, खाली वाला कौन, बगल वाले को, 3 है, अरे हाँ इसके बगल में खाली है तब 5 होगा, इसके बगल में खाली है तब 4 होगा, और इसके बगल में खाली है देखो, खाली 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 तो कितना होगा 3, इसके बगल में तो 2, इसके बगल में तो 2। सर इससे पहले तो हम गुणे करके बना लेते, कुछ लोग के दिमाग में लग रहा होगा सर इतना लिखेंगे, तुम करके देखो गुना समझ में आ जाएगा, ये करना ज्यादा आसान है उसके मुकाबले, ठीक है ना, नहीं तो तुम प्रैक्टिकली कर लो ना, कितना सेकंड में वो बनाते हो, कितना सेकंड में ये बनता है, ठीक है। अब इसको बनाओगे तो जरा ये बताओ, अब आपसे क्या पूछा है, ए और ई का, तो अब लिख तो दिए सब कुछ, तो सब को गुना मत करो, सिर्फ ई को गुना करो, 5 4 5 3, तो बोले तो यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, 20 और 15 का मतलब 600 ये होगा ना, इसको गुना किए तो कितना आ गया 600, इसको गुना करेंगे तो 3 2 और 1 कितना होगा 300, 300 होगा, 50 से गुना मेरा गड़बड़ है, जोड़ घटाओ गुना और भाग, चार चीज मेरा गड़बड़, बाकी पूरा मैथ ठीक है, 3 2 6 और 1 सॉरी 3 होगा 6 होगा, इन लिखियो जो नया आया है सोच रहा होगा गलत जगह आ गया, चलिए तो इस हिसाब से इसका रेशियो बनेगा 1:50, आंसर अपना इसको थोड़ा सॉर्ट करें तो ए और ई, अच्छा ए से लेके बी तक, डी तक, सी तक, जो भी पूछे सबको गुना करके रिजल्ट दे सकते हैं। इसको एक और चीज बता देते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, यहाँ से हमसे ए बी सी डी ई पूछा, पूरा का पूरा पूछ रहा है, तो पूरा अगर पूछ रहा है तो सबको गुना करना पड़ेगा, गुना करेंगे अच्छा, हाँ हाँ गुना करेंगे तो उसके बाद काट सकते हैं, एक और फॉर्मेट क्या है कि सब में जो चीज है ना उसको काट दो, ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, कैसे, 3 है 3 है 3 है, देखो 3 3 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, अच्छा 5 सब में है क्या, 2 सब में है क्या, नहीं है, देखो इसमें 2 नहीं है, 5 नहीं है सब में, इसमें नहीं है, तो अब हम इसको काट के छोटा नहीं कर सकते, 1 है तो 1 काटने से कोई होने वाला तो है नहीं, इसका आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा कितना 6, इसका आ जाएगा 10 से 20, और इसका आ जाएगा कितना 60, और इसका कितना आ जाएगा 5 25 24, अब छोटा और नहीं हो सकता, हो सकता है क्यों नहीं हो सकता, तो 2 बार का होना चाहिए, अच्छा 4 था और 2 था, हाँ तो हो सकता है, तो 1 3 15 30 एंड 50, देखो तो एक अनुपात 50 नहीं आया, ए और ई का डाटा, ए अनुपात 50 नहीं आया, एक अनुपात 50, यस सर, तो ये टाइप में कोई दिक्कत होगा, बना सकते हो ना, इसके आगे देखें, इसको हम ऐसा बना दें तो बना लोगे, इसको वैसे बनाते हैं, इसको लिख सकते हो ए बटा बी, ये बी इधर आएगा तो लिख सकते हैं 3/2, इसको लिख सकते हैं 3/2, देखो अगर इसी फॉर्मेट को देखो तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ना इतना ही पार्ट तो वहां लिखा हुआ है, तो इसको लिखने के लिए पहले ये सीख लो तो ये जल्दी बन जाएगा, देखो कैसे, ए का इतना बी का इतना, तो आपसे ए रेशियो बी पूछा, शादी शादी तो आप लोग का हो ही गया होगा, हो गया ना, आपने से कोई है जिसका शादी हो गया, इसका हो गया, इसका ठीक हो है, ना बहुत हो रही है, वो एक्सपीरियंस नहीं इसके साथ वो हो सकता, ठीक है समझ रहे ना, शादी होल है और अभी ठीक होल है, उसमें बहुत अंतर है, अभी ठीक है हुआ है, हो सकता है समझ रहे ना, उसका कहीं और चक्कर चल रहा, भाग जाए तो भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो इसके साथ तो हो सकता है कुछ भी है। तो देखो कोई भी जब रिलेशन बनता है तो एक ही घर में शादी हो सकता है या उसका घर से उसके घर से रिलेशन होता है ना, दो घर के संबंध,
एक घर का रिलेशन किस घर से? दूसरे घर से। और दूसरे घर का रिलेशन पहले घर से। वो ये काम करता है। ये पहला घर वाला जो है ना, पहले घर वाला में करेगा, ये करेगा किसके साथ? इसके साथ। और ये करेगा इसके साथ। बस ये आपको करना है। ए का रिजल्ट बनाएगा 1/5 और बी का रिजल्ट बनाएगा 1/2। वैसे बताओ, यहाँ से डायरेक्ट हम बोले कि ए रेशियो बी का वैल्यू तो कौन बनेगा? ए का वैल्यू 2 बनेगा कि 3? 3। और 3 बनेगा और बी का वैल्यू 2। इसके लिए बी और सी लिखेंगे तो बी का वैल्यू कौन बनेगा? 3 और इसके लिए 5। बताओ ये पहले जैसा फॉर्मेट हो गया। इसको हम थोड़ा मिटा दें, इसको छापना है, मिटा दें। कह सकते हैं ए बी सी। अच्छा ए बी, अच्छा बी और सी तो 3 और 5। इसके लिए आप करेंगे इस्तेमाल यहाँ पे 2 और यहाँ पे ई वाला 3, की वाला इधर वाला ना। इसको काउंट करेंगे 9, 6 और 10। आंसर हो गया। इधर भी वही आया था, जान के नहीं दिए। चलिए, तो आपका ये टाइप क्लियर हुआ। ये भी कुछ नहीं करना था, ए रेशियो बी। तब बटा में कभी भी रेशियो नहीं होता। रेशियो जो है, रेशियो का मतलब ही बटा होता है। और 2 को बटा थोड़ी ना होगा, तो इसको बटा को हटाने के लिए 2 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये वो क्वेश्चन लिखो तो जितना जल्दी बना सकते हो बना दो। क्या लिखा हुआ है ना, हमको यहीं से पता चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए आप सीखिए, नहीं सीखते हैं तो बोलिए हमसे, क्योंकि आपका संख्या बहुत बड़ा नहीं है। बहुत बड़े भीड़ में नहीं बैठे हैं जहाँ पे बोल देंगे तो इज्जत चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सीखने आए हो, एकदम कम से कम है बच्चा, और यहाँ पे ज्यादा सीखने का संभावना है, ठीक है। पी क्यू एम डी, जल्दी से बताओ कि पी क्यू का वैल्यू 1 और कितना है? हम आपको क्या बोले, लो लाइन में समझा लेते हैं ऐसे। पहले लाइन में लिखे हैं तो इसी लाइन में नहीं, बल्कि इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, 3 और 5 का अनुपात, अभी हम समझाया ना कि रेशियो कभी भी डबल रेशियो नहीं लगाता, वो रेशियो रेशियो हो गया ना। तो 3 और 5 का रेशियो बना देगा। इसका जो नया रेशियो सही सीधा साधा रेशियो होगा वो कैसा होगा? 5 वहां चला जाएगा। बस इतना ही तो करना था। अब इसके लिए यहाँ लिखेंगे 3, 5, अगले में 2 और 3। तो देखो ऐसे लिखना है, आगे लिखते हैं। अब इसमें क्या करोगे, तो जहां जहां नहीं दिख रहा है वहां वहां आपको डाटा लगाना है। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, उन्हीं से पूछो क्या लिखेंगे यहाँ पे। 5 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, क्लियर है ना सबका। इसके बगल वाले में जो दिख रहा है वो लगा दो जी। 5 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है। अब सब में अगर कोई 2, 2, 2 है, 2, 2, 2 है लेकिन इसमें नहीं है, 5, 5, 5 लेकिन इसमें 5 नहीं है, 3, 3 लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो गुना हो जाएगा 6, 5, 2, 10, 5, 10, 30, 10, 50, 25, 75। ये इसका क्या गया रेशियो। अगर कहीं इंडिविजुअल पूछ रहा हो कि पी और एम का रेशियो, तो पी को और एम को उठा के छोटा और कर लेंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टाइप आपका फिनिश होता है। बिठा दें एक और हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, जल्दी से आप पहले लिख लो उसके बाद हम समझाएंगे। पैसा वाला क्वेश्चन है, झोली में जो पैसा होता था ना रिच की, उसका क्वेश्चन। 1 रुपए, 4 पैसे, रुपया वाला।
बोल 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा ठीक। 1-3 के अनुपात में, 1-2-3 के अनुपात में 2 रुपया है 30 रुपया 5 पैसे के संख्या के ठीक है। टोटल दे दिया 30 रुपया ठीक है। अच्छा ये टोटल 30 रुपया है, इसका मतलब ये संख्या होगा। यस सर। ठीक है और कुछ तो कुछ पूछा होगा ठीक है। 5 पैसे की संख्या। हाँ 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 इधर हो गया। एक और मेरे तरफ से कुछ लिख लेते हैं। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसा जिसका रेशियो बना रहा है 5-4-8 चलो ऐसा रेशियो है 7-4-8 और कितना 5 ठीक है। और इसमें भी बोलता है संख्या क्योंकि हम मान लेंगे रुपीस की संख्या। और इसका टोटल अगर हम बना दें तो पहले इसको लिखो ना जल्दी से तब हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। संख्या दिया तो आपको मूल्य निकालना है समझे। संख्या अगर पता है तो क्या निकालोगे मूल्य। और अगर मूल्य कभी दे दे तो क्या निकालोगे संख्या। संख्या तो दोनों में हम संख्या ही दिए हैं तो हम मूल्य पे बात करेंगे। संख्या और मूल्य कैलकुलेट करना ये कोई गुना भाग जोड़ घटाव से नहीं करना, दिमाग लगा के करना। जोड़ घटाव से मत करना, गुना करके भी मत करना, दिमाग लगा के करना। दिमाग कैसे लगाना है 25 पैसा वाला के गो, पच्चीस पैसा वाला ए गो, एक के गो ना संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 25 पैसा होगा या 0.25 रुपीस होगा। रुपीस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं फटाक से। वैसे बताओ दो गो 10 पैसा वाला 10 पैसा 10 पैसा तो 20 पैसा और 20 पैसा के लिए काउंट हो रहा होगा इतना रुपया। 100 से भाग लगा रहे हैं तो रुपीस में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए काम करेंगे तो 5 पैसा वाला तीन को तक 15 पैसा 0.35 नहीं 15 पैसा है तो 0.15। अब इतना रुपया, अब बताओ इतना तक कोई दिक्कत। बस अब टोटल से टोटल को कंपेयर ही करना है। इसको थोड़ा सा रखो इतना और समझो। 1 रुपया वाला 7 गो 7 रुपया देखो यहाँ पे सब पैसा में था इसलिए 1 रुपया वाला 7 गो था डायरेक्ट 7 रुपया बन रहा है। इसके अब काम करें तो 50 पैसा वाला 4 गो था 2 रुपया बना रहा है। नहीं बना रहा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा 50 पैसा वैसे ही 25 पैसा 8 गो था 2 रुपया भी बना देगा। इसके बाद अगर 20 पैसा 5 गो था 1 रुपया बना देगा। ये देखो तो मूल्य निकल गया इतना तक कोई दिक्कत। अब इस मूल्य को मूल्य से कंपेयर टोटल आपके पास कितना रुपया है। अच्छा ये जो आया ये भी अपने आप में क्या है अनुपात है मूल्य का अनुपात। इसको कंपेयर करो छोटा भी कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट कंपेयर करो 25 पैसा 15 पैसा 40 पैसा और 20 पैसा 60 पैसा 0.60 का वैल्यू आ गया। तो निकालना है कितने का वैल्यू 1 का वैल्यू ठीक है। एक का वैल्यू आ जाएगा ताकि कटेगा देखो ना इसके नीचे 100 है ना तो 30 दूनी 60 देखो हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको 100 कर दे 0 पॉइंट का के 30 से 2 और 2 से 50 और 50 कहां चला जाएगा ऊपर तो हो गया 1 का वैल्यू 50। 1 का जो वैल्यू आया है ना उसको जहां पे रख दोगे वहां का आंसर देना शुरू कर देना। जैसे 5 पैसा वाला के गो इस 50 पर हाथ उठा के रख दो तो कहेगा ये 150 पीसेस है 5 पैसा का। ये क्वेश्चन पूछा है ना कि 5 पैसा वाला के गो तो 5 पैसा वाला 150 आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझे थोड़ा सा और है समझने के लिए वहां देखो इतना तक कोई दिक्कत है ओके है ना यार।
पैसा जितना जितना पीस है उतना से हम वैल्यू निकाल लिए। अब वैल्यू को जोड़ेंगे तो वैल्यू आ गया 12, आ गया ना 7 2 9 2 11 1 12। इस 12 के बराबर टोटल पैसा जो मेरा 240 है, एक का वैल्यू 12 2 24, इसे काटेंगे तो आ गया जी कितना, ये किसका वैल्यू है, एक हमेशा एक ही का निकालना ना, हमेशा एक का निकालना और एक को जहां रख दोगे वहां आंसर आ जाएगा। जैसे हम पूछते हैं बहुत सारा क्वेश्चन हम पूछेंगे, ध्यान से देखना, बताओ तो एक रुपया वाला के हो, एक रुपया वाला 7 गो तक कितना रुपया हुआ, 740। 7 गो बोलोगे, हम पूछ क्या रहे हैं, एक रुपया वाला के हो, एक रुपया वाला 7 को नहीं है, ये 7 रेशियो है, इसको उठा के यहाँ पे लेके चल जाओ तब बता देगा एक रुपया वाला 140 को, क्लियर। अब बताओ तो 25 पैसा वाला जेबो भी है उसका वैल्यू क्या है, 25 पैसे वाले का मूल्य कितना, तो 25 पैसे वाले का मूल्य ये रहा, हम संख्या पूछ रहे हैं, मूल्य पूछ रहे हैं ना, 25 पैसे वाले का मूल्य ये है, तो यहाँ पे ले जाओ इस 20 को तो कह देगा 40 रुपया बना रहा होगा वो, संख्या पूछेगा तब यहाँ पे हम बात करेंगे। देखो एक कितना इम्पोर्टेंट है, जहाँ जा रहा है वहाँ कैंसर। अगला क्वेश्चन फिर से बताओ, 50 पैसा वाला के को, 50 पैसा वाला के को, 20 को ले जाओ यहाँ, बता देगा कि 80 को है। अच्छा तुम लोग बनाओगे कि बना दे, बन गया तो ठीक है मिला देते, 4 को 20 रुपया, ठीक है, 6 को 12 रुपया, 9 को तो 9 रुपया, क्लियर, समझो, नहीं समझ में आ रहा फिर से समझो, के गो संख्या, संख्या देखो ना, संख्या का मतलब गो मतलब समझते हो ना, अरे 4 को 5 को 8 को करते हो ना, 4 गो, 1 गो 5 रुपया, 4 गो 20 रुपया, 6 गो 2 रुपया वाला था 6 गो 12 रुपया, 9 गो 1 1 वाला 9 रुपया, इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 41। अच्छा 41 के बराबर 41 410, तो 1 के बराबर 10, एक का वैल्यू जहां रखना है रख दो, क्लियर। इसके आगे चलते हैं अगर, तो इसमें देखोगे इसका मूल्य बना देगा कैसे, 1 गो 1 रुपया वाला 1 2 गो 3 हो जाएगा 50-50 पैसा के हिसाब से भी 1 रुपया, अब 25-25 का 75 पैसा, तब 2 रुपया 75 पैसा, इस हिसाब से 1 का वैल्यू यहां पे बनेगा इतना बटा 100, 55 पचे, 275, 5 बार में आप 5 से 20 बार में, 1 का वैल्यू उधर जाएगा तो बना देगा 20। अब 1 का वैल्यू आपको पता है तो सब कुछ पता है, जो कुछ है बता दे, 17 से बना 1 बटा 63 1 बटा 17 18। अरे ये टाइप अलग है, देखो ना ये क्वेश्चन हम नहीं बता रहे, सिर्फ टाइप भी क्लियर करेंगे, ठीक है, 19 तथा 3.6, उसके बाद है 20 में 7 और 28 का मध्यानुपाती, ठीक है, और इसका है प्रथम अनुपाती, ठीक है, और ये 21 नंबर में है, 0.48 का तृतीय अनुपाति, ठीक, इसके बाद है और कौन सा पूछे थे, 32, यस सर, 32, ये देखिए अनुपात ये हो तथा उनके बराबर 31, ठीक, 32 और
ये क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट से इसीलिए इसको कवर करते हैं, उसके बाद आपका 31-32 जो भी है देखो, ठीक है। ध्यान से देखो, प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती आपको बता चुके हैं। यस सर, फिर रिवाइज कर देते हैं क्वेश्चन है तो। इसको देखो, इसका क्वेश्चन जो है सब में एक है, ऊपर ऊपर सबको एक थोड़ी देर के लिए हटा दो। और अनुपात को समानुपात बोला, मतलब इसका अनुपात और इसके अनुपात के क्या होगा, बराबर। ऊपर वाला एक हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये 3:1 है? यस सर। तो इधर भी 3:1 होना चाहिए। यस सर। अब बताओ, इस एक के लिए 21, तो तीन के लिए 63, तो एक के लिए 8, तो 24 काम करेगा। अच्छा, 24 काम करेगा, तो 1/24 की 24, सब में एक है, तो इस एक का वैल्यू बना देगा 1/24। आंसर हो गया। कौन सा इसको 63 और 21 को काटेंगे तो 3 से और 1 से नहीं कटेगा। 21 दिया 63, 21 से 21 से काट रहे हैं, 3 अनुपात है, तो जैसा ये वैसा ये। मतलब किसी को आगे चलते हैं, जो इधर लिखा है सेम समानुपात, उसी को तो बोलते हैं। दो का अनुपात एक जैसा होना चाहिए, एक और एक कोई आ गया तो दूसरा और पास। जैसे देखो ना, हिस्सा वो ऐसा ही है, बताएं आपको इसमें प्रथमानुपाती, ध्यान से देखना, चतुर्थ अनुपाती इसमें नहीं पूछा है। अगर चतुर्थ होता तो थोड़ा लॉजिक अलग होता, लेकिन यहाँ तक हम अभी पढ़े हैं ना ऐसा वाला फॉर्मेट, ए बी बी सी पढ़े हैं ना, जिसी को हम मिला के कह देते हैं ए बी सी। बस इसी से ये बन रहा है, देखो कैसे, ए बी बी और सी, इसमें से प्रथमा पूछा है, इसका मतलब ये डाटा पता नहीं है, तो हमको पता होगा दूसरा और तीसरा। तब दूसरे के जगह पे ये लिखेंगे और तीसरे के जगह पे ये लिखेंगे। जरा ई अगर देखो तो ई भी तो दूसरा है, तो ई भी लिखा जाएगा इतना। आगे समझ के पहले लिखना सीखो, बनाना बहुत इजी है। इसके लिए बताओ मध्यानुपाती, मतलब ए बी बी सी में कौन नहीं पता है, तो ई ए हो गया और ई सी हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमको ए निकालना है, यहाँ पे हमको बी निकालना है, बी बीच में दो बार होता है इसलिए दोनों नहीं पता है। इसके आगे चले, अगर इसको थोड़ा सा मिटा दो, इसको अगर मिटा दें तो यहाँ पे कह सकते हो कितना, ए बी बी और सी। तो इस बार बताओ तृतीय नहीं पता है, तो हमको पूछा है ए और बी, यहाँ दिया होगा इतना और बी में 0.48, इसके लिए भी 0.48 काम करेगा। अब बताओ इसको बनाने के लिए इसी लॉजिक पे काम करो ना, इसका रेशियो इसका रेशियो आपस में बराबर है। ध्यान से देखना, हम काट रहे हैं, इसको काटोगे तो 12 दूनी और 12 दिया, पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट में रेशियो ही बना रहा है, 2 और 3 का ये आया समझ में, तो ये आते वही हो जाएगा 2 और 3। अब जरा बताओ 3 का वैल्यू 24 है, पॉइंट सब में जैसे ये 1 कॉमन चल रहा था वैसे पॉइंट कॉमन चल रहा है, ये 3 का वैल्यू 24 है, तो 2 का वैल्यू 16, अरे 8 दिया 24 तो 8 दुनी 16, और 16 को हम पॉइंट के साथ 1.6 लिख देंगे। बी बी क्यू लिए, इसी फॉर्मेट पे काम करता है, बी बी क्यू लिए क्योंकि तीन गो अनुपात जो बनता है, तीन गो आदमी में अनुपात बनाना है, तो ये इसके साथ अनुपात कुछ और रखेगा और ये इसके साथ अनुपात कुछ और रखेगा, इसीलिए हम बी को डबल रखते हैं, क्योंकि बी ए के साथ भी रिलेशन में और बी के साथ सी के साथ भी रिलेशन में, इसीलिए उसको दोबारा रखते हैं, तभी तो 4 गो होगा। जैसे हमको अनुपात को समानुपात करना है, दो अनुपात तभी तो 4 अनुपात मिलके वो इक्वल दिखाएगा, एक तरफ दो गो एक तरफ एक गो, तो कैसे इक्वल करेंगे पता कैसे नहीं चलेगा। हाँ यही होता चतुर्थ अनुपात, तो वहां पे काम कर रहा होता
ए बी सी और डी, वहाँ पे चार ऑलरेडी है तो वहाँ पे ए बी अलग सी डी अलग, ए बी सी डी काम करेगा। लेकिन यहाँ पे तीन को होने की वजह से हम इसको बी को डिवाइड कर दिए, बीच वाले को हम दो बार लिख देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इस बार देखो, इससे पहले ये बना सकते हैं, इससे पहले वो बना सकते हैं। 48, 48 और 36 यही है ना। इसको अगर हम करें तो इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर, इसका रेशियो देखो 16, 12, 36, 12, 48, 3, 4 है, तो इधर भी 3, 4 होना चाहिए बराबर जैसा। 3 का वैल्यू 48 का 16, 3, 48 का 16, 4 0.64 नहीं होता है। अब आ जाइए इधर, इसको अगर बोले तो 7, 28। अब देखो यहाँ पे ई डाटा और ई डाटा तो सेम होगा, और ये रेशियो भी कैसा होगा, सेम होगा। ई अगर मान लें 2:3 तई भी 2:3 ऐसे होना चाहिए ना। अब ध्यान से देखो ये बनता कैसे है, एक फॉर्मूला भी होता है, हम फॉर्मूला से ज्यादा अच्छा समझते हैं उसका बेसिक समझ लो, फॉर्मूला तुम खुद बना लोगे। ई इसके साथ गुना हुआ तब बी बना, और जितना गुना हुआ उतना गुना और हुआ होगा नहीं। जैसे देखो ई इसके साथ भाग लगा, देखो 2 और 3 है तब भाग लगा, अरे गुना हुआ कि भाग लगा, गुना हुआ ना, इसमें गुना हुआ, जितने से गुना हुआ उतने ही से देखो फिर गुना हुआ, गुना हो के गुना हो रहा है, भाग हो के भाग हो रहा है, वैसी कंडीशन। एक बार गुना अब फिर गुना तब जाके 28, तब दो बार गुना होगा तो 28। देखो तो 7 का 4 गुना 28 है, हम कह सकते हैं कि दो गुना हो के फिर दो गुना हुआ तभी 4 गुना, तो दो गुना का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, 1:2 और 1:2। देखो करके दिखाते हैं, 7 का 7 दुनी 14, यहाँ 14 तो यहाँ भी, अब देखो 14 दुनी फिर से काम कर रहा है। मीडिएटर कैसे निकलता है, तो इसका गुना जितना है ना उसका वर्गमूल निकाल देना, जैसे 4 गुना है तो 2 निकल गया, 9 गुना होता तो 3, 3 गुना हो के 3 गुना हो रहा है, 6 गुना हो के क्या 30 रहता, देखो 30 रहता तो नंबर निकलता ही नहीं, कोई मल्टीपल ही नहीं है, रेशियो का मतलब मल्टीपल होना चाहिए ना। देखो ना सब क्वेश्चन में मल्टीपल हो रहा है ना, मल्टीपल 7 का कोई मल्टीपल ही नहीं है, उसके साथ 7 का 30 का रिलेशन ही नहीं बना रहा है, एक रहता वहां पे 30 रहता हो जाता, हो जाता 6 × 5 = 30 था, √5 से गुना हो रहा होता, 1:√5, 1:√5 होता, एक जगह 42 होता तो सर डिजिट का कुछ भी रहा लॉजिक काम करेगा। ठीक है, वैसे भी इसका फॉर्मूला ही कहता है बी डिवाइडेड ए, और यही किस चीज में √5, तो 1:√5, 1:√5 आप 7 जैसे 6 है तो यहाँ 1 इसका करेंगे 1:√5 और इधर करेंगे 1:√5। देखो तो यहाँ काम करेगा 6 में √5 तो यहाँ पे 6√5 और फिर 6√5 तो √5 और √5 5 बना और 6 × 5 = 30 आ गया, इस बी का वैल्यू आ गया 6√5। तो चलिए यहाँ से फिनिश होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लो, बहुत भारी नहीं है। 13, 45, 18 और 60 में क्या जोड़ा जाए, यही बोला है ना, 13, 45 में क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाए। फिर से बताओ समानुपाती, तो देखो ए बी सी डी बताए थे ना, ये 4 गो है तो ए बी अलग काम करेगा और सी डी अलग, लेकिन इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, 13 में 3 जोड़ो तो 16 होगा, और 3 सब में जोड़ना है, 3 क्या करना है सब में प्लस करना है, तो जरा देखिए तो 3 जैसी जोड़ेंगे आप ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 18 + 21 = 48, इसका रेशियो काटेंगे 16 + 48 = 21 = 63 आ गया। तो कौन सा नंबर आप छोटा सा जोड़ रहे हैं, ये पता है कहां से आया,
ऑप्शन में वाई ऑप्शन हम तो ऐसे बता दिए, ऑप्शन में आपको दे देगा वन, छोटा ही डिजिट देगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके देगा। तो जल्दी से जोड़ के ए को जोड़ोगे ना तब पता चलेगा। जैसे 13 1 14 46 का रिलेशन पूरा कट रहा है, नहीं अगर कट रहा है तो इसको देखो ना, 19 बनाएगा, 19 के साथ किसी का रिलेशन बनेगा? 19 तो अपने आप में क्या है, अगला संख्या है ना, तो 19 और 61 नहीं बना रहा, तो जोड़ोगे तब पता चल जाएगा। क्लियर? चले आगे, इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो आपके पास ए का भाग, यहाँ देखो ए है ना, इसका जो भाग है वो बी और सी के भाग का 3/7 कितने बोला ना, 3/7 है, तो बताइए इसका 3/7 है ये, ई डाटा एक होगा, इस हिसाब से इसका रेशियो 3/7 बनेगा। इसी को डायरेक्ट अगर हम लिखें तो 3/7 में देखो बड़ा कौन है, और वैसे भी जिससे कंपेयर कर रहा है वो नीचे वाला होता है और इसमें होता है, अगर बटा की बात करें तो, और नहीं तो लैंग्वेज में इसका ये 3/7 है, तो 3/7 ए है ना, तो 7 हो जाएगा ये और 3 हो जाएगा। अब बताओ तुम्हारे पास पैसा 2400 रुपया, जिसको ए का भाग क्या होगा, कोई बात नहीं, 2400 रुपए में मतलब हम कह दें टोटल मेरे पास पैसा है 7 3 10 = 2400, तो बताइए ए के लिए कितना, 3, और 3 का वैल्यू 240, इसको काटेंगे और 240 की 720 वो तो एक का वैल्यू आया ना, हमसे ए का वैल्यू पूछा है, ए कितना है, 3 है, तो 3 का वैल्यू आ जाएगा सर। चलो इसको मान लेते हैं, टेन मान लेते हैं इसको, तो इससे ये ज्यादा कितना, 10 + 500, अच्छा इससे ये 500 कम, इससे ये 500 क्या होगा, एन प्लस 500 और प्लस 500 मतलब 1000 उल्टा है तो उल्टा कम करेगा, पूछा क्या है, पूछा क्या है, बी का भाग, बी का भाग, इसलिए बी को एन मान लिए, ठीक है। अब बताओ इस सब जोड़ दें तो 2400 के बराबर आ गया, एन 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 3n प्लस 1500 बराबर 2400, 1500 में से 2400 घटा दो तो 3n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 900, और n का वैल्यू आ जाएगा, और यही n हम माने हैं b, मोहन तथा सोहन के प्रति माह का अनुपात इतना है, खर्चे का अनुपात इतना है, अंतर नहीं निकलता, कहाँ से अंतर नहीं निकलता, 7/5 में कमाता है, 7/5 में कमा रहा है, इनकम इतना है और उसका खर्चा है 5/3, क्या दिक्कत है, देखो ना, 7 कमाया 5 उड़ाया तो 2 बचाया, 5 कमाया 3 उड़ाया तो 2 बचाया, देखो खर्चा और यहाँ से आ गया बचत, अब आपसे पूछ क्या रहा है, प्रत्येक का बचत इतना है तो 2 = 1200 = 600 अब उससे पूछ रहा है, अब बता दो, सब पूछ रहा है, वही तो पूछ रहा है कि उनके आय का अंतर क्या है, अच्छा उनके आय का अंतर देखो तो 7/5 का अंतर कितना, 7/5 का अंतर 2 = 1200 तो दे ही दिया, यही आंसर है, आ गया कितना कर रहे हैं, नहीं तो 1 = रखोगे यहाँ तब आ जाएगा जो अंतर, 1 = रखते हैं, 1 = आया ना 600, 1 = रखोगे यहाँ भी यहाँ भी, तो जो डाटा आएगा उसका अंतर भी 1200 का ही होगा, नहीं तो डायरेक्ट 2 = अंतर बना आ गया। और बोलिए, एक झोला में बनी गया है 39, 62 को ए और बी में इस प्रकार बांटना है कि ए का 1/4 भाग, देखो ए का 1/4 भाग, ए का 1/4 भाग और बी के किसके 5/5 भाग का अनुपात 4/3, ठीक है, तब बी के 5/5 भाग का अनुपात जो है वो 4/3 है, तो देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, बी का 1/5 4 अनुपात 3, देखो इसका रेशियो ये, तो बस इसको गुना कर लो इधर, इसको गुना कर लो आ जाएगा,
देखो ये 1 by 4 कहां चला जाएगा, यहां ये जो है 1 by 4 कहां चला जाएगा, और ये 1 by 5 चला जाएगा यहां, ठीक है। अब काटना तो 4 बटा 5 और 3 बटा 4 ऐसे बनेगा, ए और बी का अनुपात यहां से बन जाएगा ना, जैसे 16 कितना आ जाएगा, 16 और 15 16 ऐसे छोटी बात है, क्वेश्चन में इसका अनुपात ये तो 1/4 ये गुना में है तो इधर भाग में, इधर भाग में है तो गुना में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4/5 और नीचे है 3/4 तो ये 4 फिर से ऊपर जाएगा तो 4/3 तो 4 × 16/15 आगे रेशियो ए और बी का 16:15 ठीक है। आगे बताइए 41 भी आपको बता चुके हैं, डेढ़ पैसे एक रुपया 50 पैसा था वही, एक रुपया अलग कर लो 50 पैसा अलग कर लो, ये नहीं बताए थे वो क्वेश्चन, एक रुपया अलग और 50 पैसा अलग, रेशियो क्योंकि 3 को है बन जाएगा। आगे 42 में 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात इतना है और 30 छात्र बढ़ा दिए जाए तो इनका अनुपात इतना हो जाता है तीनों कक्षाओं में, कोई बात नहीं। 3, 5 और 4 है ना, लिखो पहले 3, 5 और 4 और नीचे बढ़ के कितना हो गया 6, 8 और 7। अब जरा देखो 6, 8 और 7 कह दे अगर तो इसमें हमारे पास जो डाटा है वो 3-3 बढ़ने वाला है, इसमें भी 3 बढ़ा और 3 बढ़ा तब बढ़ने वाला 3 और 3 के बराबर बढ़ कितना रहा है बच्चा, आंसर हो गया 1 का वैल्यू। अरे बढ़ रहा है 3 है ना, सब में 30-30 बच्चा तो 90 बच्चा बढ़ रहा है ना, 9 बराबर 90 लिखो, इसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ये वो डाटा 3 बराबर 30 सब बन जाएगा। तो कुल कक्षा कितने, तीनों कक्षाओं में कुल छात्र, तो तीनों कक्षाओं में कुल छात्र कितने हैं या थे, ये पूछा है मतलब पहले का डाटा और है पूछा है तो अभी का डाटा, तीन कक्षाओं में कुल कितने संख्या क्या है, है मतलब 6, 8 और 7 का वैल्यू, 6, 8 और 7 का मतलब 8, 7, 15 और 6, 21 21 = 210 आंसर हो गया। पूछता कितने थे जाना है क्या, थे पूछेगा तो ऊपर वाला डाटा, यदि दो संख्याओं का अंतर योगफल तथा गुणनफल इतना है और बड़े 1, 7 और 24 है ना, देखो 42 का 120 यस सर है, ये वो पूछने वाला है सर, वो प्रेजेंट है, हां आ जाए तो पूछा प्रेजेंट है वाला, ऊपर वाला प्रेजेंट होता है, अच्छा वो जाता है फ्यूचर एक है तो 3, 4, 5 का डाटा होगा, 5, 3, 8, 4, 12, 120 ठीक है, वो था का नहीं है डाटा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा फ्यूचर में हो जाएगा, बढ़ेगा तो हो जाएगा, तो वो नहीं पूछा है वाला पूछा, ठीक है। उस हिसाब से दो संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल, बहुत बढ़िया, पहला अंतर योगफल और गुणनफल कितना कितना है, 1 और 7 और 24 देखो ना बहुत भारी नहीं है, अरे 4 और 3 है संख्या, 4 और 3 चार में से 3 घटाओगे तो 1 होगा, 4 और 3 जोड़ोगे तो होगा, 4 और 3 को गुणा करोगे तो होगा नहीं, पता है इसमें होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा कुछ उठाते हैं, और क्या पूछ रहा है इसमें, 8, 6 योगफल 7 थोड़ी ना होगा, 8, 6, 14 तो बाद में 8 पे कटे हैं ना सर, 2, 14, 48 और बाद में उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, चौबीस है सर। यस सर, चौबीस है तो यहाँ पे काम कर रहा है
देखो इसको ऐसे बनाएंगे, इसका रेशियो को हम लिख सकते हैं 2, 14 और 48। रेशियो को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 8 और 6, तो 8 6 48, 8 6 14, और 8 में से 6 तो 2, तो संख्या हो गया ये, तो 8 6 48 आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो इसका इसका दुगना कर दिए, तो रेशियो तो वही है ये। 45 एक बार में लड़के तथा लड़कियों के अनुपात इतना, लेकिन जब 5 लड़के चला जाते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है कि प्रथम में प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक है, 5 लड़के तथा 5 लड़की चले गए तो वो रेशियो कम हो गया ना, तो 3 5 था और 1 2 हो गया 5 के जाने से। देखो ये बनेगा कैसे, तो बनेगा आपके एज जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो एज जैसा है, एज पढ़े थे ना वैसा, पहले कितना था 3 5, यस सर, और घट के 1 2। देखो इसका, देखो यहाँ पे अंतर, ये देखो 3 से 1 तो 2 हो गया, यस सर, अब 5 से 2 तो 3 हो गया ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब में 3 3 को जा रहा था, काम किया क्योंकि अंतर बराबर चल रहा है, वैसे यहाँ पे अंतर है 2 का और अंतर है 1 का, तो एज में बोले थे ना कि अंतर बराबर कर लो पहले, तो 2 से गुणा कर लो, अब इसका आ गया जी नेचुरल 2:4। अब देखो तुम ऊपर वाले से, इसमें भी 1 गया और इसमें भी 1 गया, 1 का वैल्यू ही 5 बना दिया, एक गया मतलब 5 आदमी गया, 1 का वैल्यू 5 नहीं बन गया, तो बताओ 1 का वैल्यू जब पता है तो सब में पुट करो आंसर हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में कितने विद्यार्थी थे, 5 3 8 विद्यार्थी थे, आंसर हो गया। कल हम बताए थे वो क्वेश्चन, ट्रेन से जाता है, बस से जाता है और ट्रक से जाता है, उसका भाड़ा इतना 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 है, तो ऐसी भाड़ा है, आदमी का संख्या तुमको पहले दिया कि 2 5 8 नहीं दिया, 2 5 8 तो बताओ 2 आदमी को 3 3 रुपया, तो 6 रुपया, 5 को 2 2 10 और 8 को 1 8, अब बताओ ये रेशियो बन गया, इसका टोटल आपको दे रखा है नीचे, इसको काट भी सकते हो नहीं तो यहीं से भी बना सकते हो, 10 8 18 और 6 24, 24 बराबर देखो 720 रुपया है, 720, अब बताओ आप कितना वैल्यू निकालोगे, 30। पूछा क्या है, तो प्रत्येक लड़का कितना कमाता है, अच्छी बताओ प्रत्येक लड़का मतलब एक लड़का का, 8 लड़का का नहीं बल्कि एक लड़के का था, एक लड़के का 30 रुपया इनकम हुआ, कमाया, खर्चा कितना 8 9 15 हो सकता है, ऐसा कमाया इतना, ये आय है और ये खर्च, ज्यादा कैसे खर्चा कर दिया, मतलब रेशियो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आगे की बचत उसकी आय का 1/4 भाग हो, ए का बचत उसके आय का 1/4, बहुत बढ़िया, ए का जो बचत है, जो बचत है वो जितना भी होगा लेकिन 1/4 होगा, इसको ऑप्शन से अगर बनाए ना तो देखो ऑप्शन से ये जल्दी बन जाएगा, 1/4, 4 से कटने वाला कोई उठा दो डाटा जो ऑप्शन में हो, ए में 56, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है 56, तो कितने बार में 14 56, बस वही आंसर होगा, देखो 45 का ये देता है, बाकी कोई 4 से कटने वाला बिना ऑप्शन के, बिना ऑप्शन के देखो दिखाते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ, अब देखो अगर 4 से कटने वाला 56, और एक चीज और बिना ऑप्शन में, एक और चीज 7 से भी कटना चाहिए, 7 से भी तो कटना चाहिए क्योंकि इसका 1/4 है, 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और 4 से भी कटना चाहिए, तो कह सकते हैं 7 4 7 7 से भी कुछ ऊपर कट रहा है, सभी अठी 56 और 4 से भी कट रहा है मेरा 56, बाकी 99 और 99 वगैरह तो कटेगा,
तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन में एक ही ऑप्शन हम रख के 56 और वो बना सकते हैं। जैसे 56 रखते हैं अगर, तो 56 रखते हैं तो इसका चार गुना करना पड़ेगा तो ये आएगा, अरे इसका एक चौथाई किए तो 56 आया, इसका चार गुना करेंगे तो ये आएगा। तो 56 का चार से गुना करो तो कितना, 224। अब 224 सात से भी कटना चाहिए, तो सात से देखो कट रहा है ना, सात से भी कटेगा, तो सात का वैल्यू ये है। तो आप फिर पूछा क्या है आपसे, रेशियो ही तो पूछा है। अच्छा सात का वैल्यू ये है तो बताइए इसका नौ का वैल्यू और बारह का वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा तो फिर उस हिसाब से यहाँ से इसमें से इसको घटा दो तो ये कितना आएगा, 224 में से 56 मतलब 3 से गुना करो ना, 56 दिया है 168 आ गया। अब देखो E और E इसको काट के इससे ही आ जाएगा, इससे ही आ जाएगा, इससे ये और इससे ये, ठीक है। और जब आ जाएगा तो पूछ क्या रहा है, रेशियो, तो यहाँ का भी बचत आके रेशियो बता देगा जो आपका 56 99 और कितना है 69। स्टेप से ये आ जाएगा, इसको बनाओगे और घटाओगे तो उससे बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको देगी एग्जाम में, ये डिजिट के साथ दिख जाएगा, बस कटने वाला हो दोनों से कट जाएगा, ऑप्शन लगा दो, ठीक है। आगे 53 में कहता है दो संख्याओं का अनुपात इतना है यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो अनुपात, तो बस एज जैसा कुछ है, एज जैसे बनाते हैं ना, 5 8 4 3 5 8 है 4 3 है, बताओ इसमें 12 जोड़ना है ना, पहले तो बताओ रेशियो ठीक है, इसका 3 का अंतर इसका 1 का अंतर, 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 12 और 9, अब देखो 5 से 12 तो 7 जोड़े है ना, 5 से 12 तो 7 जोड़े, ये 4 3 है, 3 4 यहां 3 और यहां 4 अंतर 1 तो 3 से गुणा तो ये बनेगा 9 और 4 के 12, सब 5 से 9 बना तो 4 बढ़ा, इसमें भी 4 बढ़ा, तो 4 का वैल्यू आपको दिया है 12 साल, तो 1 बराबर 3 साल। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो पहली संख्या का मान क्या होगा, तो पहली संख्या में देखो ना, दो संख्या का अनुपात 5 8 है तो पहली संख्या कौन है, 5, तो 5 दिया आंसर, क्लियर। 18,000 का बंटवारा करना है, yes, sir. पुरुषों में और महिलाओं में, है ना? Yes. अच्छा पुरुष और महिला का टोटल संख्या जो है, yes, वो कितना दिया, yes, sir. संख्या दिया है 66, ठीक, आई इतना रुपया दिया है, पैसा दिया है ना, और क्या कहता है, हाँ उनके पुरुष के हिस्से का योगफल और महिलाओं के हिस्से का योगफल 5 4 मतलब समझो यहाँ पे इसका संख्या और होगा पैसा तभी तो उसका टोटल पैसा, नहीं समझे, अरे उसको 4 को पुरुष और सब को 10-10 रुपया मिलेगा तब जाके 40 रुपया टोटल बनेगा ना, तब ध्यान से देखना कि वो कौन कौन सा डाटा दिया, सबसे पहला जो रेशियो है वो है उनके टोटल का योगफल, वही है ना, सबसे पहले जो है वो है कितना, तो 5:4 जो कि उसका टोटल है, उसके बाद बोलता है एक महिलाओं का हिस्सा मतलब उनका जो पर इनकम है वो 3:2 है, क्लियर है, समझो ध्यान से, 4 को होता 10-10 रुपया तो 40 रुपया, मतलब जितना भी होता उसमें 3 से गुना तब ये वाला आता, तो ये कह दें कि इसमें जितना है उसमें 3 से गुना तो 5 आएगा, तो किसमें 3 से गुना तो 5 आएगा, तब 5/3 में 3 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसको वही चीज करना होगा 4/2 में, या फिर डायरेक्ट बोल दें कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा,
उसका संख्या में उसका पैसा उसका बेसिक इनकम को गुना करेंगे तभी तो टोटल इनकम आएगा। ई रेशियो दिया क्या, इसका ई रेशियो आ गया, इसका रेशियो बनेगा 5:6। इसको तीन को इधर ले जाओगे ना, इसका जो रेशियो बनेगा वो कैसा बनेगा 5:6। तब 5:6 इसका जो रेशियो बना 5:6, जरा बताइए 5:6 मतलब 11 जो है वो 66 के बराबर नहीं है। तब एक का वैल्यू 6, इसका मतलब आ गया एक का वैल्यू 6। तब बताओ 6×30 आ कर सकते हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पुरुषों की संख्या बताइए ना, पुरुष के वो आ गया महिला 6 वो पुरुष 5 को आया ना। अरे ये पुराना डाटा खत्म होके नया डाटा बन चुका है, पुरुष 5 को तब 5:30 पुरुष है जी आंसर। महिला 9 kg चावल का मूल्य कितना, जो चावल का मूल्य है वो 15 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के क्या है बराबर, ठीक है। मतलब 9 kg गेहूं और 15 किलो चावल बाद दोनों का बराबर है या वैल्यू बराबर, ठीक है। 16 किलोग्राम गेहूं 7 किलो चीनी के बराबर, ठीक है। 16 kg गेहूं, देखो इसको ऐसे बना सकते हो, हल्का सा बता देते हैं, बना लो इतना तक लिखो। ये देखो लिखा हुआ है ए का 9 बराबर बी का 15, तब ए रेशियो बी आ जाएगा, बस बन जाएगा। इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, गेहूं चावल गेहूं चीनी चीनी गेहूं, बस नाम खाली है इसी की जगह चावल गेहूं दे दो, यस बन जाएगा। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 था, ठीक है। देखो एक वर्ष पहले 3:4 था ना, 3 और 4 था, आज से 1 साल पहले था। एक वर्ष बाद उनके व्यक्तिगत वेतन में क्रमशः इतना का वृद्धि, व्यक्तिगत मतलब इसका अलग बढ़ेगा इसका अलग बढ़ेगा, इसका बढ़ने का रेशियो है 4:5 और इसका बढ़ने का रेशियो है 2:3, ठीक है। जरा ये बताओ कुल वेतन इतना है तो लक्ष्मण का, अब बताओ ऐसा क्वेश्चन को बताया, इसका बढ़ने का डाटा है 4:5, मतलब 3 होता था डायरेक्ट जो हो रहा था होगा, लेकिन 4 होता तो 5 हो जाता, ये अगर 4 होता तो यहाँ 5 लिख देते, लेकिन हमारे पास 4 नहीं है तो 3 का वैल्यू निकाल के बना देंगे, 4 होता तो 5 होता तो 3 = 5/4 = 3, 15/4 इधर से भी 2 = 3 तो 4 = डायरेक्ट बोलते 6, इधर से 6 आ गया, लेकिन इसका रेशियो बनेगा 15 × 24, इसको चार काट के भी छोटा कर लोगे 3 से 5 और 3 से 8, रेशियो आ गया। अब कंपेयर करो, ये बताएं आप, कोई ऐसा टाइप नहीं होगा जब छोड़े होंगे, कोई ऐसा बोलो तो टाइप आया है, जो टाइप आया हम उसको बोले बाद में बनाएंगे, टाइप कोई भी टाइप हो नहीं छोड़ेंगे। 66 अभी यही क्वेश्चन देखो ना, ये हल बता जाओगे, ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, गेहूँ चावल वाला नहीं बना ये पूछना है सब बताए तो देखो कितना जल्दी एक्टिव होके समझ गए, अच्छा ये वो था सर, ऐसे समझाएंगे तो नहीं समझोगे, कैसे समझोगे हमको पता है। चलिए आगे और बताइए, पीछे क्या चल जाते हैं, दो स्टेशनों के बीच में दूरी, ठीक है, और प्रथम श्रेणी बताया तो है फर्स्ट श्रेणी सेकंड श्रेणी का किराया, तो देखो 4:1 है फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में इतना का रेशियो, और कहता है उन्हीं स्टेशनों के बीच में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी का संख्या 1:40। देखो ई है किराया आई है संख्या, टोटल का रेशियो आ जाएगा नहीं 4 और यहां से 40 एक और 10 का रेशियो, अब आप जितना भी 1100 जित करते हैं तो 11 1 10 तो 11 = 4400 या 1100 1 = 1100 11 = 1100 तो द्वितीय श्रेणी में आप किराया, तो देखो काट दिए तो द्वितीय श्रेणी में नहीं निकलेगा,
फिर आग यहाँ पे नहीं काटते तो डायरेक्ट आ जाता 44 बराबर 1100। अब आपसे पूछा है कि द्वितीय श्रेणी में किराया कितना, कि द्वितीय श्रेणी में संख्या कितना पूछा है। द्वितीय श्रेणी यात्रियों के लिए यात्री के लिए कितना रुपया एक बराबर 11 चौके 4 से 25। आगे द्वितीय श्रेणी में यात्रियों से रेलवे किराया कितना रुपया अर्जित किया गया, रुपया पूछ रहा है, रुपया देखकर पूछ रहा है अगर, तो हमारे पास कितना रुपया अर्जित किया गया, टोटल रुपीस पूछा है, एक वो नहीं, तो टोटल रुपीस में तो तुम्हारे पास 40 रुपया कलेक्ट हो रहा है ना, ये टोटल है, तो 44 बराबर 1100, तो 40 बराबर निकाल देंगे 1000, नहीं आएगा, ये काटो इसको, आ 11 से 4, 4 से 25 और 25 चौके 100 आतो क्या? अब नहीं लग रहा है। पूछा है एगो का किराया कि टोटल आने वाला किराया से कैसे? टोटल ये थोड़ी ना है, टोटल तो यहाँ 40 है। ये एक पैसेंजर का किराया, ये आदमी का संख्या था, टोटल इनकम 40 के बराबर। 44 पता और 40 पता। और लास्ट सर 66 नंबर देखो क्या कहता है। तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल कितना है, ठीक है। 8 बराबर 52, अरे तीन संख्या है ना, 3 4 5। यस सर। अब फर्स्ट और लास्ट बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, अच्छा बड़ी तथा सबसे सबसे छोटी संख्या का योग 8 हुआ रेशियो में। यस सर। और तीसरी संख्या और योग, तीसरी संख्या सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। बहुत बढ़िया, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग मतलब यस सर, और तीसरी संख्या और किसका 52 के योग के बराबर, तीसरी संख्या और 52 का योग जो है आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन है, देखो एबीसी, एबीसी पहला संख्या और तीसरा संख्या को जितना जोड़ के आया, तीसरा संख्या आप 52 को जितना जोड़ दे उतना आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये रेशियो है, सब रेशियो है लेकिन ये एक एक्चुअल है, तो इसको रेशियो में कुछ नहीं, तब कोई ऐसा नंबर है जो गुना है, रेशियो है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके वो बना होगा। yes, तब बस ए के फॉर्मेट में लिख दो 3a 5a और 5a, इधर से 8a और बराबर इधर से 5a + 52। yes, इधर से 5 इधर आएगा तो 3a = 52 और 3 से काट लो तो a का वैल्यू देखो कितना आता है, 13 चौके 52। 3 से काटना है ना, अपने 4 है बस, कहां पे 5 है, इस तरफ 5a है, इस तरफ नहीं सर, क्वेश्चन फिर से पढ़िए ना, सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या, हां सर छोटी बड़ी तो हो गया 3 और 5, बचा तीसरा 4 ना सर, बचा तीसरी संख्या, अच्छा एक और जो बचा, हां ये सही है, तो 4 हो जाएगा, तो 4 से 13 देखो 99 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना है, जब कक्षा में 24 लड़के और आ जाते हैं तो उनका उलट जाता है, कोई बात नहीं, अरे 5-7 है तो 7-5 हो जाता है। यस सर। ये रेशियो बनाया, सबसे पहले तो बताओ कि कितना लड़का आया, 24 लड़का के आने से अनुपात उलट जाता है, तो कक्षा में लड़कियों का संख्या क्या है, पहले है बॉयज और दूसरे में है गर्ल्स। देखो ये मिक्सर का ही क्वेश्चन है, और मिक्सर वाले क्वेश्चन पे एक बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिक्सर नहीं है, जो नहीं परिवर्तित हो रहा है ना, लड़की का संख्या परिवर्तित हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में लड़की परिवर्तन हुआ है नहीं, लड़का के वो बढ़ा,
24 लड़का क्यों बढ़ा? 24 लड़की का संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे दूध और पानी मिलाए तो दूध में मिलाएंगे तब पानी परिवर्तन नहीं होगा, पानी मिलाएंगे तो दूध परिवर्तन नहीं होगा। एक छोटे से लॉजिक से काम करो, जो परिवर्तन नहीं हुआ वो परिवर्तित कैसे हो गया? लड़की का संख्या बढ़ाए ही नहीं घटाए ही नहीं, अनुपात चेंज जैसे हो गया? तो ए वाला अनुपात को खाली बराबर कर दो, इसमें 5 से गुना तो बराबर, इसमें 7 से गुना तो बराबर हो गया। जब इसको तुम 5 गुना करोगे तो ये भी 5 गुना, आई 7 गुना करोगे तो ये भी 7 गुना। देखो लड़की का संख्या पहले भी 35 और अब भी 35, लड़कों का संख्या पहले 25 था और अब 49 हो गया, तब 25 में 24 जुट के ही 49 हुआ है। तब बताइए लड़कों का पहले संख्या 25 है, 24 जोड़ दिए तो 49 हो गया। संख्या पहले कितना था, लड़कियों का संख्या पहले कितना था, दोनों को बता रहे हैं आप लोग। लड़की का तो पूछा है तुमसे, लड़कियों का पहले संख्या कितना था, केवल लड़की 35 अब भी 35 है, लेकिन लड़का बढ़ के कितना हो? आया समझ में? लॉजिक कौन सा काम किया? जो नहीं बढ़ रहा है उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, उसको खाली बराबर कर दो, तुरंत बता देगा कि हम क्या क्या बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं। यही दूध पानी में काम करेगा, दूध मिलाए हैं तो दूध मिलाए हैं तो दूध भले बढ़ रहा है, दूसरा चीज नहीं बढ़ना चाहिए, वही तो होता है दूध और पानी का मिश्रण वाला बहुत सारा क्वेश्चन। बस एक लॉजिक लगाओ और जितना क्वेश्चन है बनाते रहो, जो नहीं मिलाए हो वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इस लॉजिक पे बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका रेशियो खत्म हो गया अच्छे से, अब बनाते रहिए। जो नहीं बना था ना बस उसको खाली इंडिकेट करके साइड कर लेना, जो नहीं बना ना उसको खाली अलग से क्वेश्चन नंबर को अलग से इंडिकेट कर लेना, क्योंकि बार बार वही परेशान करेगा, बनने वाला तो बन जाएगा, तो जो परेशान करेगा उसके लिए एक बार हर हफ्ते में 10 दिन पे एक बार वही 10-15 क्वेश्चन आपको बनाना है, बस इतना ही तो करना है आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।